अमर कुमार जी की जन्मतिथि आठ को उठाएं। हम लोग भगवान से विनती करेंगे तो और ज्यादा लंबी उम्र हो, हमें आशीर्वाद बना के रखे, हम यही कामना कर रहे हैं। यो यो ना प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः सर्वरेण्यम् भगवो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् स्वः ॐ अपने बच्चों का जन्मदिन तो सभी मनाते हैं, लेकिन डॉक्टर रवि रंजन ने अपने 93 वर्षीय पिता प्रोफेसर अरुण प्रकाश का जन्मदिन मनाकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। आपको बता दें कि अरुण प्रकाश HD जैन कॉलेज आरा में प्रोफेसर पद से रिटायर्ड हैं और उनकी धर्मपत्नी इंदु बाला सिन्हा आरा सरकारी स्कूल में कई सालों तक प्रिंसिपल रही। डॉक्टर रवि रंजन ने अपने पिता के जन्मदिन पर कृष्णा मंदिर सेक्टर 10A गुरुग्राम में हवन एवं पूजन किया। उसके बाद DLF फेज 3 तारीसी फाउंडेशन गुरुग्राम में जाकर गरीब महिलाओं के बीच कम्बल बांटे। जन्मदिन पे आज एक मंत्रोच्चार हम लोग साथ में करेंगे और मेरे साथ दो रहिएगा। त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारु कमीव बंधना मृत्योर् मोक्ष्यम् मामृता। हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर रवि रंजन क्रिटिकल केयर कंसल्टेंट आपके सामने हूँ। आज बहुत खुशी की बात है कि आज मेरे पिताजी प्रोफेसर अरुण प्रकाश, जो मगध यूनिवर्सिटी में काफ़ी रेनाउंड मैथमेटिक्स के प्रोफेसर रहे और आरा जैन कॉलेज में कार्यरत रहे, आज उनकी 93 साल पूरे हुए और यहाँ आज गुड़गांव में तारीशी फाउंडेशन और पूर्वांचल समाज के रणधीर राय ने बहुत अच्छे से हवन और गरीबों के बीच में कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा था, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा तरीका था जन्मदिन मनाने का, हवन के साथ पूजा करना, उनके दीर्घायु की कामना करना। दोस्तों, आज मैं अपने पिताजी के बारे में दो शब्द बोलना चाहूँगा कि उनसे बहुत कुछ सीखा है मैंने। आज जो हम लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग की बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए, तो ये तो उन्होंने बहुत पहले ही अपना रखा था। आज उनके 93 साल बहुत बिना किसी बीमारी के वो हैं और उसका मेन वजह रहा कि उन्होंने कभी भी शाम 5 बजे के बाद अन्न को हाथ नहीं लगाया और ये आदत हम लोग में भी डाली गई थी, तो उतना फॉलो नहीं कर पाए हम लोग, लेकिन उनकी आदत ये जो कहते हो है। और दूसरा है कि उन्होंने अपने ज़िंदगी में खुशी के लिए एक पर्पस चुन रखा था, वो था अध्यापन का। मोहल्ले में चाहे वो दर्जी का लड़का हो, चाहे पान बेचने वाले का लड़का हो, या गरीब परिवार से हो, जहाँ भी उनको लगता था कि वो लड़का गरीब है और पढ़ाई का खर्च उठाने में समर्थ नहीं है, तो मेरे पिताजी हमेशा सपोर्ट करते थे, घर बुलाकर पढ़ाते थे, घंटों पढ़ाया करते थे। आज सब बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं और जब भी उनकी बात होती है, उन बच्चों की बात होती है, मेरे से बड़े भी हैं काफ़ी लोग, तो उनके आँखों में जो खुशी की लहर, जो खुशी की चमक दिखलाई पड़ती है, बहुत संतुष्टि प्रदान करने वाला होता है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा हम में से हर एक लोगों को कि पर्पस चुन लीजिए ज़िंदगी का। तीसरी चीज़ जो मैं बात करना चाहूँगा, आज पूरे वर्ल्ड में हैप्पीनेस के लिए लोग परेशान हैं और एक बहुत इम्पॉर्टेंट थ्योरी ऑफ मिनिमाइजेशन को चारों तरफ प्रचार किया जा रहा है कि अपनी आकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को सीमित करिए। तो ये तो मेरे पिताजी ने बहुत यौवन अवस्था से ही अपना रखा था
कि अनावश्यक इच्छाएं, अनावश्यक लग्जरी ज़िंदगी में ऐड मत करो। साइकिल अगर था तो कभी भी उन्होंने बाकी लोगों की तरह से कार या किसी लग्जरी की इच्छा नहीं की। उनका था कि मुझे पढ़ाना है और बाकियों को योग्य बनाना है, इसी पे उनका टोटल फोकस रहता था। घंटों पढ़ाया करते थे, आज भी 93 साल की उम्र में बिल्कुल स्वस्थ हैं और हर रोज़ 2 से 3 घंटे वो अध्यापन में ज़रूर देते हैं, जो मिल जाता है। अगर सफाई करने वाले का बेटा है, वही मिल गया, उसको ही पढ़ाते हैं। तो मैं बोलना चाहूँगा, लाइफ को पर्पसफुल बनाइए, जो मैं उनसे सीख रहा हूँ। और कोई भी पर्पस हो, उस पर्पस में हैप्पीनेस खोज लीजिए, बहुत खुश रहिएगा। तो पिताजी की, पापा की दीर्घायु होने की शुभकामना के साथ मैं, और जितने लोगों ने आज पापा के लिए हैप्पी बर्थडे, शुभ जन्मदिन का संदेश भेजा है, मैं उन लोगों का भी काफ़ी आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे पिताजी को याद रखा। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। शुभ जन्मदिनम तुभ्यम, शुभ जन्मदिनम तुभ्यम, शुभ जन्मदिने तव हे सकलं मधुरं भूयात्। शुभ जन्मदिनम तुभ्यम, शुभ जन्मदिनम तुभ्यम, शुभ जन्मदिने तव हे सकलं सफलं भूयात्। न्यूज के साथ और इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आरबीएम न्यूज, हमेशा सच के साथ।